हमारी धरती पे ना जाने ऐसे कई जीव जंतु मौजूद हैं जो दिखने में सबसे अलग नजर आते हैं। इन जीव जंतुओं को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप इतना सोचने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगे कि ये इसी धरती के जीव हैं या किसी दूसरी ग्रह से आए हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंड वुल्फ या भेड़िया दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है जो सबसे अनोखे जानवरों में से एक है। लंबे पैरों, लाल भूरे रंग के फर के साथ यह स्टिल्ट पर एक लोमड़ी जैसा दिखता है। यह भेड़िया मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है। यह अपने छोटे स्तनधारियों और पक्षियों जैसे शिकार का पता लगाने के लिए अपनी उत्कृष्ट गंध की भावना का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से दक्षिण अमेरिका में सड़क दुर्घटनाओं और आवास निवास के कारण उनकी आबादी में गिरावट है। सदर्न राइट व्हेल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह राइट व्हेल एकांत प्रिय जानवर है जो अपने लंबे प्रवास और अपने लंबे सिर पर अनोखी कालोसिटी के लिए जाने जाते हैं। वे पानी की सतह के पास फिल्टर फीडिंग करके किल और लवक जैसे छोटे शिकार खाते हैं। हालांकि वे अपने निम्न रक्तचाप और अपनी हृदय गति को धीमी करने की क्षमता के कारण एक बार में एक घंटे तक गहरे पानी में गोता लगाने और पानी के नीचे रहने में सक्षम है। दक्षिणी राइट व्हेल एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरियां जो अन्य गिलहरियों से बहुत निकट से संबंधित हैं, अपने जाल नुमा पैरों और पेटाजियम नामक झिल्ली का उपयोग करके पेड़ों के बीच उड़ने में सक्षम हैं। ये जीव दक्षिणी पूर्व एशिया और दक्षिणी यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न भागों में रहते हैं। वे रात्रिचर हैं, इसलिए उनके पास उत्कृष्ट राज दृष्टि है जो उन्हें बेरियल जंगलों में नेविगेट करने और शिकार पकड़ने में सहायता करती है। एक्सोलोटस मेक्सिकन एक्सोलोटस जो मेक्सिको सिटी के आसपास के मीठे पानी के दलदलों और झीलों का मूल निवासी है। एक प्रकार का सेलामेंडर है जो अपने पूरे जीवन में लार्वा लक्षणों को बरकरार रखता है। एक घटना जिसे नियोलिन के रूप में जाना जाता है, यह दुर्लभ प्रजाति खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से विकसित कर सकती है, जिससे यह आज वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किए जा रहे सबसे आसमान जानवरों में से एक बन गया है। दुख की बात यह है कि आवाज की कमी और प्रदूषण ने एक्सोलोटस को विलुप्त होने की कागार पे पहुंचा दिया है, जिससे संरक्षण प्रयासों की तल्यांक आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। क्रोकोडाइल पतले थूथून वाले मगरमच्छ कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। गंभीर रूप से लुप्त प्राय सरीसृप है। इन मगरमच्छों की संख्या केवल 1000 बची है और इनकी आबादी घट रही है। इनकी खोल के लिए व्यावसायिक शिकार जीविका के लिए शिकार और आवास विनाश के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। हालांकि इनकी घटती आबादी के कारण इनकी खाल के लिए शिकार में कमी आई है, लेकिन मत्स्य पालन कृषि के कारण आवास का नुकसान और बुशमीट शिकार प्रजाति की वापसी में बाधा बन रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी कमेंट जो बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।